स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों। भोपाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सीएए के मामले में जिस तरह से कांग्रेस झूठ और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए बीजेपी जन जागरूकता अभियान चलाएगी। बीजेपी हर धर्म और जाति को एक समान मानती है। देश के सभी जिलों में 15 जनवरी तक मार्च निकाला जाएगा। सांसद और विधायकों के साथ पंचायतों के कार्यकर्ता जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। बुद्धिजीवियों का सम्मेलन होगा और उनसे संवाद किया जाएगा। भोपाल से आसिफ हैदर आबदी की रिपोर्ट। लेकिन सीए के मामले में कांग्रेस और हमारे विरोधी जिस ढंग से भ्रम फैला रहे हैं, झूठ परोस रहे हैं, गलत फहमी पैदा कर रहे हैं, हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में हमने तय किया है, पूरे देश में हमने तय किया है, इसके खिलाफ एक जन जागरण अभियान चलेगा। सीएए के बारे में कई बार माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। और भारत में रहने वाले किसी भी वर्ग, किसी भी पंथ, किसी भी उपासना पद्धति के मानने वाले भाई बहनों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जन जागरण अभियान प्रारंभ किया है। हम देश के सभी जिलों में बाकी सामाजिक और अलग अलग तरह के संगठनों के साथ मिलकर जिलों में रैलियां निकालेंगे, मार्च करेंगे, पूरे देश में 15 जनवरी तक अलग अलग जिले में मार्च होंगे। ये विपक्ष जो ग्रहण लगाना चाहता है देश पे, वो नहीं लगने देंगे और सारी स्थिति साफ करेंगे। गांव गांव जाएंगे, अलग जगाएंगे, जागरण का मंत्र फूंकेंगे। सर, कल कमलनाथ जी ने सर पैदल मार्च निकाला और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश में किसी भी सूरत में कानून लागू नहीं होगा। अब उन्होंने ये भी कहा कि भारत की संसद ने, आप जानते हैं, भारत के संविधान ने अधिकार क्षेत्र के मामले में 3 सूची बनाई है। एक वो जो राज्य क्षेत्रों के अधिकार, राज्यों के अधिकार क्षेत्र में, दूसरा केंद्र सरकार के, और तीसरे संवर्ती सूची। नागरिकता के मामले में सारे अधिकार केंद्र के पास संविधान ने दिए। भारत की संसद ने बिल पास करके कानून बनाया है और कमलनाथ जी, आपने ये शपथ ली है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, ये उस शपथ का उल्लंघन है। संसद द्वारा बनाए हुए कानून को लागू नहीं करने की बात कहना संविधान का अपमान है, अवमानना है। और ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रह सकता जो ये कहे कि मैं लागू नहीं होने दूंगा। सर, केंद्र क्या इस पर पहल करने वाली, कई राज्यों ने मना किया है। पहली चीज तो ये कि हम चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और बातचीत से मामला सुलझाने का प्रयास करेंगे।